पंजाब में कर्फ्यू का आज चौथा दिन है। कर्फ्यू पूरे देश के अंदर है, लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में रहें। सरकार और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं घरों के अंदर रहें। समाना के अंदर समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से नगर कौंसिल समाना द्वारा शहर की सभी दुकानों गली मोहल्लों के अंदर सैनिटाइज किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, ताकि यह बीमारी किसी तरह भी किसी व्यक्ति को अपने चपेट में ना ले। लेकिन प्रशासन द्वारा जो कर्फ्यू में अभी कोई छूट नहीं दी गई है और सब्जी और राशन और दवाइयां घर देने की जो बात की जा रही है वो अभी लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रही। खासकर गरीब बस्तियों के अंदर तो हालत बहुत ख़राब है, वहां कोई राशन नहीं पहुंच रहा है, कोई रेहड़ी नहीं पहुंच रही। वे लोग कैसे इसका अपना प्रबंध करेंगे? उन लोगों की तकलीफ को देखते हुए प्रशासन को तुरंत उन गरीब बस्तियों के अंदर यह राशन और सब्जियां और ये दवाइयां भेजने का प्रबंध करना चाहिए। ये कब शुरू होता है ये समय बताएगा। असी लगातार कर्फ्यू के दौरान जो है रूटीन साढ़े जोड़े चारे मेट हैं तो उन्होंने टीम है वो सफाई कर रही हैगी। उस तो बिना जो है असी मतलब तीन जोड़े है पंप जोड़े है स्ट्रोक पंप लैके उन्होंने जोड़ा है पहला जोड़ा है सफाई दवाई शुरू कराई सी छिड़काया, लेकिन वो बड़ा कम स्लो स, इसलिए असी जोड़ा है हूँ बड़े वधिया तरीके जोड़ा है दो पंप साडे NGO वाले ये सज्जना ने सानू जोड़े है प्रोवाइड किए हैं ट्रैक्टर। इन तो असी जोड़ा है सोडियम हाइपोकलोराइड जी गवर्नमेंट ने रिकमेंड की है 10% वो दवाई ना जोड़ा है पूरे दुकाना के शटर असी मोहल्लों भी जोड़ा है कर रहे हैं तो होर तेजी जोड़ा है यदा रिजल्ट क्ढन की कोशिश करा। असी बहुत एरिया कवर कर लिया तो आने वाले एक दो दिन सारा एरिया इनू कवर कर लवेंगे जी। लगातार जारी रहेगा जी। माणा नगर कौशल के साडे कार्य साधक अफसर EO साहब की निगरानी के साफ सफाई का जोड़ा काम है दिन रात किया जा रहा। उस तो बाद सैनिटाइजर दवाई जी है सारे गली मोहल्लों के पूरी सारा दिन सारी रात ला के असी छिड़काव कर रहे हैं। कैमरामैन बालसन गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।